will be presented with the Sanjeev Santhal Sanjeevani Puraskar Award for the year 2011, along with the Mancho, Shawn. प्रसिद्धि मिल गई थी कि जगह जगह उनकी मूर्ति स्थापित होने लग गई थी।
वो मुझसे क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस गांधी जयंती के बजाय चरखा जयंती जो उनका प्रिय कार्य था उस रूप में मनाया जाना चाहिए। तो देश आज कई बार उनका अनुसरण सर्वापति राधाकृष्ण जी ने भी किया। अभी 14 नवंबर को हमने बाल दिवस मनाया, 19 नवंबर को इंदिरा जी का जो जन्मदिन है, तो सब लोगों ने अपने कार्य के रूप में तो डॉक्टर मालिक जी ने जब मैं पढ़ रहा था कि शुल्का क्रिया तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं इस स्थान पर रविंद्र भारती जैसे आकर के अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। एक युवा ऊर्जावान व्यक्ति ने अपने जन्म दिवस को संकल्प दिवस आज देश में उस प्रकार से समाज को देश संकल्प की जब आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ उनका जन्मदिन मुझे उसमें दिखाया कि पूर्व विषय तुम 100 वर्ष तक जियो और कर्म करते हुए नहीं है और कर्म जो है आप नहीं है। इस प्रकार के युवा है हमको प्रतिदिन में सभी प्रवेश कर चुके हैं, और जिस प्रकार से जैसे मुझे पता चला देख रहा हूँ कि समाज के आखिरी छोर के लोगों को आप सम्मान दे रहे हैं, उनको अपने कार्य पर दे रहे हैं, तो भगवान आपके संकल्प को और शक्ति देगा, आपकी ऊर्जा को आगे निरंतर बढ़ाते रहेगा और वो देश और समाज के हित के लिए होगा। मैं तो जैसे बताया गया कि चुपका मुझू से संपर्क कार्य करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कभी मैं आपके नाम वहाँ से भगरे अलग नाम अल्लाह के लिए का उत्तम होता है, वहीं पर एक छोटा सा गाँव है कोटेश्वर, वहाँ पर एक रचनात्मक कार्यों की संस्था है कसौली ग्राम स्वराज मंडल जो 6वें दशक में जिसकी स्थापना हो गई थी, जो चिपका आंदोलन की मात्र संस्था उससे संबद्ध करता हूँ। चिपका आंदोलन पर्यावरणीय क्षेत्र का एक ऐसा आंदोलन है जिसने वन विशेषज्ञों वन व्यवस्थापकों की गलत नीतियों का विरोध किया था। प्रारंभ में तनावपूर्ण स्थिति रही, लेकिन प्रबल अनुमत के आगे उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज से 4 दशक पहले अलकनंदा जो पद्मनाथ जी से निकलती है तो वहाँ पर जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो सामान्य गांव के लोग दिन में पहले जाता थे, उन्होंने सीधे और सरल स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए, और गुलाड़ी लेकर के ठेका के लोग जंगलात के लोग जंगल में पहुंच गए तो गांव के लोगों ने कहा कि हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे, तुम्हारी गुलाड़ी पर ताकत है तो हमारी पीठ पर मारो। इस प्रकार से चिपको आंदोलन शुरू करने से पहले इंसाइक्लोपीडिया में डिक्शनरी में जाकर देखने की जरूरत पड़ी। चिपको आंदोलन में जमीन के आदमी की बात की, उनकी समस्याओं को उनके समक्ष के मुताबिक रखा, तो इस आंदोलन का विस्तार आज न केवल पेड़ बचाने का, पेड़ लगाने का, अपने पानी को संरक्षण करने का भी यह आंदोलन चल रहा है, इसके लोगों का लाभ उठाया जा रहा है, लेकिन उसको और अधिक तेज करके ऐसे में बाढ़ आई थी तो उसके बाद गोदावरी की यात्रा करने का अवसर मिला था। 1990 में जो आंध्र प्रदेश में समिति तूफान आया उसके बाद भी मुझे मुख्य रूप से जो एजेंसी ले रहा है अपने आंध्र प्रदेश का वहाँ पर यात्रा करने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि जो हिमालय में जो स्थिति है इसी प्रकार से जो हमारा आंध्र का एजेंसी ले रहा है वहाँ पर 1985-86 में जो गड़बड़ी हुई उसके कारण गोदावरी का तट जो है धवलेश्वर में 22 फीट ऊंचाई तक बढ़ गया। आज हिमालय और जो हमारे पहाड़ी इलाके चाहे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट सबकी स्थिति बदतर होती जा रही है, और अब तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है हिमालय में हिमनद ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं और उसके कारण नदियों में पानी, तो ये इस प्रकार का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है और इसके लिए छोटी वनस्पति बड़ी वनस्पति की आवश्यकता है, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्धों तक इस जलवायु का मौसम का सामना करने की आवश्यकता है। तो जो बात मैंने यहाँ पर देखी समझी।